अस्सलाम वालेकुम, बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। चूंकि पीएसएल में कई टीमें हैं और लोग अपने अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई कौम का इशू नहीं है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टीमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें जो है वो इसको जो है वो कौमी इशू बना रहे हैं, पंजाबी और पठानों का मसला बना रहे हैं। तो पहले ये वीडियो देखते हैं। मैं ये बता दूं, वी हैव मोर पठान देन आवर टीम। पठान आगे भी सपोर्ट करें, आप मुल्तान को करें, सारे पठान हमारे पास है। ये वैसे खुद सिर्फ पठान है, टीम ऐसे नहीं है, सारे पंजाबी हैं, पठान सारे हमारे पास हैं। यानी पठान फैंस, मुल्तान योर टीम, योर टीम। अच्छा, तो पीएसएल में अब पठानों और पंजाबियों की बात भी बीच में आ गई। अली तरीन साहब कहते हैं कि मुल्तान की टीम में जो है पठान ज्यादा मौजूद है, तो इसलिए पठानों को जो है वो मुल्तान की टीम सपोर्ट करनी चाहिए, और पेशावर जलमी में चूंकि पठान नहीं है इसलिए पठानों को जो है वो पेशावर जलमी की टीम सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ये इंतहाई एक गलत बात उसने कही है, उसको इस बात पर अपोलोजाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीएसएल में कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। हमारी जो टीमें हैं वो उनमें हर किस्म के, हर सूबे के लोग मौजूद हैं, और पठानों में ऐसे लोग हैं जो पेशावर जलमी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग हैं जो मुल्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं, कराची को सपोर्ट करते हैं, लाहौर को सपोर्ट करते हैं। किसी ने इससे में कोई फर्क नहीं किया है कि कौन पंजाबी है, कौन पठान है, कौन जो है वो दूसरे इलाके से ताल्लुक रखता है, ये बिल्कुल कोई इशू नहीं रहा। अगर आप इस इशू को दरमियान में लाएंगे तो इससे जो है कौमों के दरमियान और नफरत फैल जाएगी, पठानों और पंजाबी के दरमियान नफरत जो है वो और फैल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अली तरीन साहब को इस बात पर अपोलोजाइज करना चाहिए और ऐसे जो है ऐसे अल्फाज नहीं अदा करना चाहिए, क्योंकि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान की लीग है, वो किसी सूबे की लीग नहीं है, वो पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान की लीग नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की लीग है, और ये जो है हमारा यूनिटी है। हम किसी, ये पीएसएल जो है वो किसी एक सूबे को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को भी इसके ऊपर सख्त रिएक्शन देना चाहिए और अली तरीन साहब को इसके ऊपर जो है वो अपोलोजाइज कर लेना चाहिए।